उनवान का दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से में NPR, ये क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें कौन होंगे, इसमें वो हर कोई होगा जो हिंदुस्तान में है, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे कहीं का। अब कई लोग रहते हैं ना, कई लोग बाहर से यहाँ पर काम करने आते, अब कई हैदराबाद में आप देखते हैं बाहर के लोग कहीं पर हैं, कहीं आप देखते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर जो है काम करते। अब यहाँ पर देखिए आप हाईटेक सिटी में जाइए, कई कई फॉरिनर्स हैं, तो उनका भी नाम इस रजिस्टर में है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो NRC पे यूज होगा, और ये कब होगा, NPR 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने में ये पूरा NPR होने वाला है अगले साल। हमको यह मालूम रहना, अब पूरी मीडिया में तो आप देख रहे हैं CAA या NRC, तो NPR ही तो बुनियाद है NRC की। तो अगले महीने, अब आप देखिए फर्स्ट अगर अप्रैल आप बता रहे हैं तो पूरा रमजान इसके अंदर, 25 अप्रैल से रमजान स्टार्ट है, तो 1 अप्रैल से ये लोग NPR करना शुरू करेंगे, घरों पे खटखटाएंगे, खटखटा के बोलेंगे कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन दीजिए। अच्छा, अब NPR का बता दो, यहाँ पूरा डिटेल है, आपको पूछेंगे कि आपको क्या करना है, क्या है, क्या करना है, इसमें भी एम्यूनरेशन है, यानी आपको जाना नहीं है, आपके घर में आएंगे हो। फॉरिनर्स का रिकॉर्ड आएगा, इसमें 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, 14 सवालात की बुनियाद पर आपका NPR बनेगा। इसमें डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन दोनों भी रहेंगे। डेमोग्राफिक का माना क्या है, जो भी आप पॉपुलेशन स्टेजेस वगैरह जितने भी आप काउंट करते हैं ये पूरा डेमोग्राफिक है, और बायोमेट्रिक तो आपको मालूम है कि बायोमेट्रिक थंब से भी आपका NPR होगा। इतना डाटा लेके करते क्या भाई, 130 करोड़ लोगों का डाटा आप ले रहे हैं, तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है ये। एज एन इंडियन सिटीजन हमको हमारी प्राइवेसी रखने का हक है, फंडामेंटल राइट है। कई बार कई जगहों पर क्या हो गया, CCTV जो बाहर लगाते हैं ना रोड पर, अपनी गेट पर लगाते हैं, तो कई लोगों ने ऐसा लगा दिया कि दूसरे की बिल्डिंग दिख रही, कई बार ऐसा लगा दिया कि उस सामने वाले की गेट दिख रही, तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी में पूरे कैमरे निकाले गए कि आपके घर में बैठ के आपके कंप्यूटर में से उनकी उनकी गैलरी कैसा देखते, उनके घर में आ रहा जाला कौन सा, तो कैमरे के एंगल्स को चेंज करवाने लगाया, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। अब जब आधार कार्ड बना था, 500-500 रुपए में आधार कार्ड के जो है डाटा लीक कर दे रहे थे, 1000-1000 रुपए में आधार कार्ड का डाटा पूरा लीक कर दे रहे नंबरों के साथ, तो दैट इज ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। आप किसी का प्राइवेट चीजें आप दूसरों में या पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते, ब्रीच ऑफ। तो हम बता रहे कि इतना आप हमारा ले रहे हैं डाटा, हमारा थंब, हमारा फोटो, हमारी हर चीज ले ले रहे हैं, तो आप हमको ये एश्योरेंस कैसा देंगे कि भाई 1,30,00,000 लोगों की आप एवरीथिंग, अब इसमें हर चीज सेव है, नंबर भी सेव है, तो प्राइवेसी कैसा रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अभी देखिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर आपको क्या क्या पूछेंगे, 14 सवाल, नेम ऑफ द पर्सन, आपका नाम पूछेंगे, रिलेशनशिप टू द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, आप घर में जो आपके बड़े हैं उनसे आपका क्या रिलेशनशिप है, फादर्स नेम, ब्रदर्स नेम, स्पाउस नेम इफ मैरिड, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी मतलब आप पूछेंगे आप यहाँ क्यों आए, आप बोलेंगे कि मैं अमेरिका से हूँ, मैं जो है ना हाईटेक सिटी पे काम करने आया, मैं फला नेपाल से आया, मैं कोई भूटान से आ गया, तो आपकी नेशनैलिटी आप जो डिक्लेयर करेंगे वो लिख लेंगे उन्हों। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस ऑफ यूजुअल रेसिडेंस, मगर हैदराबाद इंडिया में आप कहाँ पर रह रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्रेजेंट एड्रेस, वो जगह पर आप कितने महीनों से रह रहे हैं, परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब आपकी कंट्री में आपका एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन, क्या काम करने आए, लेबर बनने आए या इंजीनियर है आप। उसके बाद एक्टिविटी, क्या करते हैं आप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मोबाइल नंबर, इतनी सब चीज़ें हैं आपको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपको दाखिल करवानी है, और ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बुनियाद है NRC का। अब इसमें अब एक न्यूज़ रिपोर्ट भी आई थी, उसमें NPR पे बताया गया क्या क्या होगा, NPR विल सीक वेरिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक फ्रॉम UIDAI, कौन है ये, आधार कार्ड का पार्टनर है UIDAI, उससे आपका बायोमेट्रिक ले लेंगे वो। एक्सरसाइज विल बी कैरिड आउट अक्रॉस कंट्री एक्सेप्ट आसाम, आसाम की NPR नहीं होगी, क्योंकि 1951 में उनकी हुई, 2003 में उनकी हुई, फिर इसमें हुई, तो वो लोग अपनी नेशनलिटी बताते बताते परेशान हैं, इसलिए उनके पास से नहीं होगी। दोज होल्डिंग्स आधार कार्ड नॉट रिक्वायर्ड टू गिव बायोमेट्रिक फॉर NPR, खैर अपने पास सबके पास आधार कार्ड है,
आधार कार्ड है, जैसे नंबर मारते आधार कार्ड में तो आई आई का रेटिना भी स्कैन किए थे, याद है ना, आई रेटिना भी स्कैन किए, तो आई रेटिना एंड थंब इंप्रेशन भी हमारा गवर्नमेंट के पास है। एनपीआर विल हैव बोथ बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स, जैसा मैं आपको बताया 15 डेमोग्राफिक पैरामीटर्स इंक्लूडेड इन एनपीआर टू बी कंडक्टेड बिटवीन अप्रैल 1, 2022 सितंबर 30, 2020। ये होगा 6 महीने में एनपीआर पूरे हिंदुस्तान में। तो अगले साल खैर बड़ी हलचल होने वाली है, अब अल्लाह ही रहम और अल्लाह ही मालिक है कि कैसा ये एनपीआर होगा और कैसा एनआरसी होगा, फिर उसके बाद कितने मुसलमान एक्सक्लूड होंगे, कितने लोग एक्सक्लूड होंगे, कितने इंडियंस पहले एक्सक्लूड होंगे, उसके अंदर कितने लोग रहेंगे, फिर मुसलमान कहाँ जाएंगे, गैर मुसलमान कहाँ जाएंगे।